इधर इधर भी दोनों. तो अभी लेंसेज डल चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है. Oh my God. एंड अब हेयर्स भी टाइम हो चुके हैं ताकि हेयर डिस्टर्ब ना करे मेकअप के बीच में. तो अभी नेल्स लगाए जाएंगे. इन बिटवीन हमने रियलाइज किया कि हमारे हैंड जो है वो टूंडे लग रहे हैं. तो हमें वीडियो बनानी है तो साथ साथ नेल्स अच्छे होने भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज नेल्स. हाँ यही वाले लगाते हैं. चलती चलती तुम्हारे पास भी है. अच्छी है ये लो. एक हाथ में सुर भी तुम लगाई जाओ. एक मिनट पहले देख लो कि कौन से लगाना है. ये लो थंब फर्स्ट फिंगर. पर मुझे नहीं पता फर्स्ट कौन सी है. हाँ ये थंब था फिर ये फर्स्ट फिंगर. दो मैम रिंग फिंगर में ये आएगा फर्स्ट. ये हो गई. इधर दे दो तब तक मैं ये तो लगाऊं. ये लो ये और ये. मेरे इस पे भी ग्लू लगानी है क्या. थोड़ी सी लगाओ. ये चीची भी है. ओके बीच में ये तो नहीं लगाना. नहीं नहीं बहू वाली फीलिंग आ रही है. केक हाथ इधर लग रहा है. दबा के रखो. मैं ऐसे लगा के रखो कि दस तक जल जाए. नेल पे नहीं लगाना. नेल पे लगाया. नेल पे भी यार इन्होंने तो ऐसे ही लगाया था. ज़्यादा देर स्टे रहेगा उसका. वैसे मैंने यार मैं ये हुआ हुआ है यार. ये बहुत पेनफुल है. क्या ये छोटा सा. बहुत पेनफुल है. बारिश हो रही है बहुत गंदी वाली. नहीं बेबी ये इधर का. यार पहले मैं आउटफिट डाल लूं. डाल लो पहले आउटफिट है ना. इनके पास बाथरूम तो होएगा नहीं आई गेस. क्यों अंदर भी बाथरूम था. टंगो बता. देखा नहीं मैं. देखा नहीं ना मेरे बाथरूम में था नहीं ना. मैं दबा के रखो. फिर हमारे भी नहीं होगा. फिर ये इतने अच्छे नहीं. जब आप करूं मैं दिया तो हमें देंगे. तो हमें एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करेंगे. क्या बता लंदन. दबा के रखो इसको. क्या बता लंदन प्राइम ने बोला लड़की एक ही है. बाथरूम एक ही रखना. टॉवल देखना हम इनके तौलिए का क्या हाल करके जा रहे हैं. हां मैंने ना तुमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते. इन्होंने हमारी फोटो लगा देनी बाहर होटल की. ये ना है बस. मैं तुम उल्टा पुल्टा कर ही जा रहे हो. देख रही हूं कि कौन सा जहां सही बैठ रहा है. यही जाएगा. मैं तेरे को बोला था छोटा कर दी फिर छोटा नहीं किया इसने. पर नेल्स इसने अच्छा कलर कर दिया. बहुत फिनिशिंग के साथ लगा है. तो फिनिशिंग आ गई है. ईशा मैम की और भी ज़्यादा. ये इतने जो नेल कराते हो ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है. अभी लगे पहले लेके बैठे रहो अपने नेल घिसाई जाओ. ये बेस्ट वे. ये तो है. मैंने आगे से कोई नेल आर्टिस्ट नहीं बुलाना ना जरा ना कराने. अगर जैसे इवेंट है 5-6 दिन का फिर तो कराना पड़ता है. एक आधे दिन के पीछे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं. प्रमोट भी करी जाओ साथ में. मेरा तो उतार फेंकने का दिल कर रहा है. हाँ उतारने का दिल कर रहा है. कुछ और है ऐसा मन कर रहा है ऐसे निकाल दूँ. जो चीज़ कई बार नहीं मन को अच्छी लगती ये मैं दबा लेती. देखा इतनी सी फिनिशिंग आ गई. इसमें कहती कि नेल लगा लेते हैं. बढ़िया है कोई नेल नहीं कोई मेकअप नहीं. चलो चलो. लड़कियों के मन नहीं पड़ेंगे. नहीं मैं तुम लैश कर्लर क्यों नहीं लेके आई हो. मेरे को था लैश कर्लर. क्या करना है मेरे को था. क्या मेरे से पूछो तो सही. मैं लैश फोल्ड करने नहीं दंदा ना फोल्ड करूंगे. कर देते हैं हमको जुगाड़. हाँ देखो प्रेस.
प्रेस टेडी करके दुआ के रखो है एक वाइट पैंट नहीं पहननी चाहिए कभी ट्रैवलिंग में कल बोला गया था इनको वाइट पैंट ट्रैवलिंग में कभी नहीं डालनी चाहिए स्कर्ट डाल लो छोड़ दो स्कर्ट मेरी मम्मी मेरे फोन करके बोला तो मार्केट मुर्केट जाएगा स्कर्ट लेना मैं को मम्मी यहाँ पे मटर गश्ती करने आया हूँ ये छोटा है थोड़ा सा थंब का हल्का सा छोटा कोई बात जहाँ सीरत में बाकी सही बना दिया गुनीत विर्दी ने ना लिखा है कि जो कार्निवल थीम के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा उसको हम एंट्री नहीं देंगे हाँ स्टोरी देखो उसकी ब्लैक कलर तो होगा अब कार्निवल पैलेट में क्या ब्लैक कलर वो नहीं कोई डिजाइनर या कुछ करके आना है ये तुम बिंदियां लाए हो हाँ स्टोन बिंदियां है अब स्टोन बिंदियां लगाऊं मैं स्टोन में अगर सिमरन से पूछो पूछ लेते हैं कद्दी पर बिंदी पालन ने बढ़िया लगता है यहाँ की पार्टीज भी उसी वाइब में होती है ना कि जो थीम रखी उसी में आना पड़ेगा नहीं ऐसे नहीं होता सारे नहीं करके आते ये तो है यार ऐसे दिखाओ मैं कैसी लगूंगी तो अभी हम प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम स्मैश बॉक्स नहीं यार रोज हैबिट होती है ना वो डिफरेंट यूज करने की तो इनको प्राइमर दिखा दो कि आज हम कौन सा यूज कर रहे हैं सो वी आर यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम फॉरएवर 52 सो दिस प्राइमर इज फॉर नंबर 2 ऑयली स्किन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम एक ऐसा ट्यूटोरियल लाओ जो थोड़े अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में हो सो गाइस दिस इज फॉर यू ऑल बस ये तो इट्स छोटे छोटे अब मैम लगा रहे हैं फॉरएवर 52 का वी आर अप्लाइंग कंसीलर वेरी अफोर्डेबल ब्रांड सॉरी ये करेक्शन के लिए अप्लाई करें अगर ऑरेंज करेक्टर नहीं अप्लाई करना है तो आप कोई भी डार्क करेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं ये क्यों अप्लाई करते हैं अपने डार्क सर्कल्स को जो भी मतलब पिगमेंटेशन है उसको हाइड करने के लिए ये अफोर्डेबल ब्रांड है बहुत रिक्वेस्ट थी कि अफोर्डेबल ब्रांड के साथ बताओ तो ये आप सबकी रिक्वेस्ट के लिए हम वीडियो लेके आए हैं एंड इसमें मैं शेड यूज कर रही हूँ 08 इज अ वेरी गुड शेड अगर आपको लगता है कि आपकी मेरी जैसी स्किन है एंड ब्रश आई एम यूजिंग फ्रॉम सिनोरा तो हमने जो भी कंसीलर यूज किया दिस इज फ्रॉम फॉरएवर 52 बहुत ही रीजनेबल ब्रांड है एंड मेन पॉइंट ये है कि ये आप सबके बजट में फिट हो जाएगा एंड ये ऑल स्किन टाइप है आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी सोचने के लिए कि मैं ये बाय करूं कि ना करूं तो आप ये प्रोडक्ट जो मैं आज बता रही हूँ डेफिनेटली अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्राइड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दिस इज गुड फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज सेल्फ यूज तो आप सबकी डिमांड के लिए पेश करी है हमने आज ये वीडियो अब हम फॉरएवर 52 की फाउंडेशन यूज करेंगे कौन सा अभी मैंने फाउंडेशन ली है फॉरएवर 52 की 2 शेड्स लिए हैं 7 और 5 एंड अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं मैम बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि साथ साथ में इंस्टा की रील भी शूट हो रही है जो कि आप मैम के पेज पर जाके देख सकते हो जो कि साक्षी गुप्ता मेकअप स्टूडियो सो अभी के अभी जाके वो रील देखें और कमेंट करें उसमें कि आपको लुक कैसी लगी वो छोटा सा एक मिनी सा ट्यूटोरियल है और मैम ने भी फिंगर्स की हेल्प से सारी फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई कर ली है नहीं वो बहुत अच्छी थी तो अब बारी आ चुकी है कंसीलर की कंसीलर भी फॉरएवर 52 का है एंड ये हम यूज कर रहे हैं ऑन द होल फेस आपको एक मैक बना के देखती हूँ देखेगा 1 मिनट के बाद कहाँ कहाँ पर हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं फेस के Yes. जो हमने पहले यूज किया एज अ डार्कर उसी में ही हम यूज कर रहे हैं एज अ लाइटर फॉर हाइलाइटिंग सो डार्कर जो भी प्रोडक्ट है दैट इज फॉर हाइडिंग हाइड करने के लिए एंड लाइट है हाईलाइट करने के लिए थोड़ी सी मूस मूस बना दी
एंड सेम ब्रश जो सिनोरा का मैंने अभी पहले यूज किया फॉर फाउंडेशन ब्लेंडिंग, वही ब्रश के साथ हम अपना बेस जो है ब्लेंड कर रहे हैं. करते जाएंगे मुँह से भी उड़ा दी मुझे भी ब्लेंड आउट कर दी हमने. ओके तो अभी हम इतना कुछ कर चुके हैं. बहुत ही रीजनेबल ब्रांड है. अब इसमें आप लोगों को बिल्कुल कंप्लेंट आनी नहीं चाहिए कि अब मैं कौन से ब्रांड में जाऊं. तो ये ब्रांड जो आपको रिकमेंड कर रही हूँ इसमें सारे ही प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के हैं. प्रोडक्ट में क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. मैं ऑलवेज तुम्हें ऐसे ही प्रोडक्ट गाइड करती रहूँगी जो आपके लिए बेस्ट हैं, आपकी मनी वेस्ट ना हो. तो अब बारी आ चुकी है ब्लश की. ब्लश की माय फेवरेट ब्लश नंबर 2 फ्रॉम Forever 52 जूसी लिप चीक्स. जूसी चीक टेन इधर दो मैम. ये बहुत अच्छा आएगा रील में. रील का शोर देते हुए ये नया है ना इसलिए मैम इसे अपने ब्राइड्स पे भी यूज करते हैं. इतना बहुत अच्छा ज्यादा यूज करते हैं यार. अभी निकल के नहीं रहा है. बेइज्जती कराएगा. ओह माय गॉड तुम लगा ले. बहुत ज्यादा लगा दिया. अभी ब्लेंड और ये भी सिनोरा का ही ब्रश है. ये ब्रश बहुत अच्छा है. अब मैं ब्लश अप्लाई करना हो या कुछ भी फाउंडेशन अप्लाई करना हो तब भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. यस तो अब कंटूरिंग की बारी है और Forever 52 की पैलेट यूज कर रहे हैं हम. क्रीम पैलेट. क्रीम पैलेट तुम्हारे जम जाएगा जो तुमने अपने लगा ली है. कैमोफ्लेज पैलेट का शॉट दे दिया. तो अभी जो हम पैलेट यूज कर रहे हैं ये कैमोफ्लेज पैलेट है जिसमें कि बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स है. अगर आपके पास कोई फाउंडेशंस नहीं है तब भी आप इन इसके साथ पूरा ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हैं. सो हमारे पास ब्लशर शेड है, एक दो हाइलाइटर शेड है, ये कॉन्टोरिंग शेड है. आप इसको डार्कर स्किन टोन पे एज अ फाउंडेशन यूज कर सकते हो. एंड ये हमारे पास कुछ ऐसे शेड्स हैं जो आप स्किन टोन पे यूज करेंगे. इसको आप करेक्शन के लिए यूज करोगे और इसको आप थोड़ा सा बेस अगर ऑरेंज ज्यादा लग गया तो मिक्स करके आप इसको यूज कर सकते हो सो दैट ऑरेंज जो है वो ब्राइटन अप हो जाए. तो बहुत ही अच्छी पैलेट है. मैं इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ और एक पैलेट मेरे पास थी वो खत्म हो चुकी है. अभी मैं यूज कर रही हूँ दिस पैलेट फ्रॉम Forever 52. बहुत अमेजिंग पैलेट है. बहुत अमेजिंग. कॉन्टोरिंग कर रहे हैं बिकॉज अपना थोड़ा सा जॉ लाइन इज हेवी. हंस क्यों रही ब्रश लगा ना मैं ऐसे खाऊंगी मेरे जैसा ब्रश लगाया ये करके दिखाओ. तो आपने जो देखा वो हमने करा हुआ है ऑलरेडी और आप सबके सामने किया है. बेस हम बना चुके हैं ऑलमोस्ट. अब हम थोड़ा सा पाउडर सेट करेंगे एंड पाउडर सेट करेंगे हम Forever 52 के पाउडर के साथ. इसका ढक्कन कुछ इस प्रकार का है, ऐसा का दिखता है एंड बहुत ही अच्छा पाउडर है. इसमें नंबर हम ट्रांसलूसेंट यूज कर रहे हैं. हाँ जी इसमें हम ट्रांसलूसेंट 02 नंबर यूज कर रहे हैं. आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी ये पैलेट जो है इंटरप्ट कर रही है इन बिटवीन. तो मैं ब्लेंडर भी Forever 52 का यूज़ कर रही हूँ. बहुत अच्छा ब्लेंडर है, वेरी सॉफ्ट एज यू कैन सी. एंड पाउडर अभी मैंने ले लिया है थोड़ा सा ब्लेंडर के ऊपर एंड थोड़ा सा आई एम अप्लाइंग ऑन दी नोज फर्स्ट. उसके बाद आई एम अप्लाइंग हेयर, देन आई एम अप्लाइंग हेयर, ठीक है, देन उसके बाद अंडर दी आईज, देन इस वाली आईज के नीचे क्योंकि आईज हमारी दो हैं. ओके सिनोरा ब्रश बेस्ट ब्रश एवर, वेरी बेस्ट. आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. चेंज करो कोई यकीन नहीं आ रहा इस पे मेरे का. चलो अभी हम थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं. ये वही कंसीलर है जो हमने अपने फेस पे हाइलाइटिंग के लिए यूज किया था. तो थोड़ा 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 हमने क्या किया है आइस पे कंसीलर एंड ब्लेंडर के साथ कंसीलर को बी आर ब्लेंडिंग अच्छे से.
खूबसूरत सी पैलेट ओपन कर दी गई है। बहुत सुंदर सी पैलेट, 35 कलर आई शेडो पैलेट फ्रॉम 52, वेरी रीजनेबल पैलेट। कोई थीम भी फॉलो करना है आज? हाँ जी, मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है। तो बेसिकली आप जो भी आउटफिट पहन रहे हो, आउटफिट का कोई टेंशन नहीं है। आपके पास जैसे ही बॉक्स मिलेगा ना, उसमें जो पैलेट है आपको उससे मेकअप करना है। मेकअप कहता है हमारी इंजॉय वो कार्निवल, तो उसमें ना स्कर्ट्स है और अब हमारा मेकअप जल्दी हो तो रहा है क्योंकि हमारी पार्टी पहले 7:30 थी, अब 10 बजे की हो गई है। बिग डिफरेंस, ढाई घंटे यार, इतनी बड़ी बात है। इधर क्या मैं ऐसी बैठी रहूंगी? आप 10 बजे जाओगे तो आओगे कब? हम 10 बजे जाएंगे तो एक दो बज जाएंगे, एक दो बज जाएंगे, वो तुम्हें उठाऊंगी रात को, उड़ाओगी। चलो सेटअप करके रखेंगे। अच्छा बताइए, प्लीज बताओ कि क्या करे डॉट। मैं ना करूँ, बिंदी है हमारे पास, स्टोन्स तो होंगे तो मैं वो ढूंढूं बढ़िया सा कुछ। नहीं, हमारे पास स्टोन्स कौन से हैं? बिंदी वाले और बिंदी तो उतर जानी 2 मिनट में। नहीं, हम ग्लू उसके साथ छुपाएंगे ना, आईलैश ग्लू के साथ। नहीं सर, इडली सांभर बहुत यमी लगता है। तो अभी पता चला है कि कार्निवल थीम के अकॉर्डिंग, तो अभी पता चला है कि थोड़ा सा फैंसी मेकअप करना है, तो हम इनर कॉर्नर में हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर, बहुत लग रहा है, पॉप ऑफ कलर दे रहे हैं। सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। सूत्रों के अनुसार पता लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है। क्या पूरा हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा, लगेगा। अभी पूरा हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा। मेरे साथ कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम चीटा रंग लेंगे एंड वो अप्लाई कर रहे हैं अभी फिलहाल। मुझे आप नहीं पता क्या निकल के आने वाला है भाई। मैम एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट सा कर रहे हैं, जो भी होगा मैम बढ़िया निकल के। पैलेट हम कौन सी यूज कर रहे हैं? ब्रश कौन सा यूज करें? सिनोरा। सर ये नहीं देखा आपने, हमने लगा लेते थोड़ा सा। हमने ये पिगमेंट लिया पर्पल कलर का, शिमर लिया हमने लाइन लैग सा। सर कर रहे हैं डोसा ऑर्डर क्योंकि हमारी स्पेशल डिमांड थी कि अपुन खाएगा दिल्ली का मसाला डोसा। भाई और बहनों, हम लगा रहे हैं इस ब्यूटीफुल सी पैलेट में से एक ब्यूटीफुल सा शिमर। इज दिस लुकिंग नाइस? यस। आई वांट दैट स्पेस काउबॉय है हमारे पास, वो दे दो प्लीज। मना कर देती ना। नहीं है मैम। तो शायद आज तुम्हारी मौत हो जाएगी। नो मौत, नो रॉन्ग वर्ड्स। अब इसी पैलेट में से हम दोबारा से ये शेड यूज करते हुए लोअर वर्क कर रहे हैं। शायद आपने मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते कभी नहीं देखा होगा, पहली बात मैंने करा ही नहीं है। तो उसको सुनने दो, यूट्यूब चैनल भी फॉलो करवा। हाँ, और उसको बोलना कि लाइव देखे। अभी हम अपना फेवरेट शैडो यूज कर रहे हैं फ्रॉम अर्बन डिके। बहुत ही प्यारा ये मुझे शैडो लगता है। मैं सोच रही हूँ इससे चमचमाता हम ऑल ओवर रखें। यार वो देखो कैसे स्टिल लेके कर रहे हैं। अरे देखो हमारी क्रिएटिविटी कैसी है। अरे वाह मैम, बड़ा अच्छा लगा। चमक गए, चमक दमक yes, कर दी गई है। चम चम। अब फॉरएवर का लाइनर दीजिए, ये लीजिए। मैम दिखाओ, पकड़ो। ये मैट वाला है ना? कैसा लाइनर लगाओ? विंग थोड़ा सा बड़ा, एरोप्लेन फिंगर पफी देंगी क्या हमें? उधर बढ़िया साफ। तो थोड़ा सा हमने विंग अप्लाई किया है यहाँ पे। हमने पता नहीं कितनी भी बार अभी एरोप्लेन देखा है। कितनी बार सीरियसली, 10 एरोप्लेन देखी। लग रहा है एयरपोर्ट पे बैठे सामने एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है। अभी
मोस्ट डिफिकल्ट काम हो रहा है. मोस्ट डिफिकल्ट ना, मुझे तो अभी तक खुद के लाइनर कभी नहीं लगता, अभी भी नहीं. अरे वाह मैम, इतना ही लगा के रखो, सुंदर लग रहा है. हां कम को वैसे कर लो, कर लो नहीं पर ना वैसे अगर वो कट क्रीज वगैरह किया तो बढ़िया लगता, पर ऐसे सुंदर लग रहा है. नहीं अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ ना, बिंदिया लगा लेंगे यहाँ पे. हाँ ये भी कर सकते हैं. तो गाइस देखते हैं एंड में जो लुक टर्न होके आती है वो. हाँ ये बढ़िया लग रहा है, आपने एक ही स्वाइप में बना लिया, मैं तो चार बार रगड़ मारा पहले आपको. See Sakshi, this is difference, very very difference. One day we will become Sakshi Gupta. मैं है करूड़ा. Yes. अभी तक काम संभला हुआ है. गाइस आप सबकी वीडियो के लिए बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं पीछे और थोड़ा थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा. पूरी वीडियो देखकर जाना और सब्सक्राइब भी करके जाना कि अगर आपको कभी ऐसे कार्निवल मेकअप करना हो तो एक इंस्पिरेशन है आपके लिए. और किसी होटल में जाना और हम है. इतने लकी हैं कि हमें 5 मिनट हम करने ही वाले थे आई मेकअप और तब हमें हाँ. पता चला कि देयर इज अ थीम that has to be followed today. इस व्लॉग में हमने आपको ये भी दिखाया अगर किसी होटल में जाना तो क्या नहीं करना है. क्या नहीं करना जो हमने चादर उठा के नहीं रखनी, नीचे नहीं रखनी है. अगर मेकअप आर्टिस्ट कर लो. अब गाइस जैसे हमने एक साइड पे ये किया अब हम दूसरी साइड भी करके आते हैं. ओके तो वेट करिए. तो अभी हमारी स्पूली हो रही है बिकॉज हमारे जो ब्रोज हैं वो हो गए हैं वाइट कलर के. बाहर अभी थोड़ी थोड़ी शाम हो गई है इसलिए लाइट की थोड़ी दिक्कत. रात हो गई है थोड़ी रात हो रही है ऑलमोस्ट तो आपको लाइट की थोड़ी दिक्कत देखने. मस्कारा देना. मस्कारा I think bros तो करने की नीड नहीं है ना, मेरी ऑलरेडी हुई पड़ी है. तो bros तो अपन की ऑलरेडी हो रखी है. लाइट सही नहीं आ रही अब सही है. उस पंच प्रिटी इसी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई कर रहे हैं एंड हाँ चले जाओ. तो ये Forever 52 का हम शेड यूज कर रहे हैं 05 और अपने आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ही हम थोड़ा सा ये कलर को ले रहे हैं एंड हम अपनी पैलेट का मिरर जो है वो आगे रखेंगे एंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे. हाँ जी आपकी चप्पलें डाल दो उधर से डाल दो. ओके एंड इसके बाद हम फेस का थोड़ा कॉन्टोरिंग करेंगे. ब्रश कौन सा लें भाई, ब्रश की किल्लत हो गई है. वी हैव अ स्पेयर ब्रश तो ये वाला ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम सिनोरा. सिनोरा के ब्रशेज आप किसी भी जगह पे कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से डिजाइन है ये ब्रशेज. इधर ले लिया फॉरएवर का, नहीं रहने दो. ब्रॉन्जर का रहने दो ब्रॉन्जर. म्यूट कर देना ना ये चीज. So now we are using this mascara from Forever 52. इसका नेम है सुपर वॉल्यूम एंड लेंथनिंग मस्कारा. बहुत ही अच्छा मस्कारा है. आप इसके शेप देख सकते हैं, इनर कॉर्नर के लिए स्पेशली डिजाइंड है कि इनर कॉर्नर के हेयर छोटे होते हैं तो कहीं ऊपर नीचे ना लग जाए, तो दैट्स वाई ये आगे से थोड़ा स्लीक है. एंड नाउ मैं इसको दूसरी आईज पे भी अप्लाई कर रही हूँ. वाटर प्रूफ मस्कारा है. जी हाँ हमारा आधा मेकअप हो चुका है. तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, लिप पेंसिल तो करेंगे पर मैं चाहती थी नीचे से थोड़ा सा कॉन्टोर और कर लूँ फ्रॉम माय जॉ लाइन यहाँ पे
क्योंकि ये एरिया अपन का बहुत काला हो सॉरी काला नहीं मोटा हो गया है, मोटापा इज चढ़िंग डे बाय डे ड्यू टू माय मिस्टेक ओनली। तो मैम का ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है एंड एंट्री गेट पे खड़ा हूँ। दो चीज है ना, वो एक पार्सल लेने गई है और एक ऑर्डर है। इसका नेम है डेजर्ट ग्लो 4 कलर हाइलाइटर पैलेट। बड़े सुंदर से इसमें शेड्स हैं, तो मैंने अभी ये वाला अपने नोज पे यूज किया है इस तरीके से। यार मेरा आई मेकअप कैसा लग रहा है? आई थिंक अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, कभी नहीं सोचा था। बेसिकली हम अपनी लिप पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज मैंने अपने लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा पेंसिल यूज़ की हुई है, मतलब सेपरेट रखी हुई है। बट आप लोग तो इसी ब्रांड में ब्राउन कलर की पेंसिल ले सकते हो। लैशेस चाहिए ब्लू कलर में, ये नहीं है लैशेस, सीजर चाहिए जल्दी। तो अब लैशेस रह गई थी सिर्फ और सिर्फ। यस, लुक कंप्लीट हो चुकी है। या ऑलमोस्ट। यस, अब हाइलाइटर नहीं लगाते ना मैम फेस पे? फिर भी आगे ना फिक्स करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल है, खाना छोड़ो, ये आ गया है दोस्तों। पल्ले पल्ले यही तो चाहिएगा, इसी के लिए स्टोरी बना लूँ एक खोल के। क्या स्टोरी बना लूँ ना एक खोल के? नॉर्मल कैमरे पे बनाओ, अच्छे से रुक जाओ उधर पार्सल खोलेंगे। तो गाइस चल रही है वीडियो? तो गाइस ये थी हमारी कार्निवल लुक विद बजटेड प्रोडक्ट्स। बट ये सारे प्रोडक्ट्स आप ब्राइडल में यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं ये मेकअप नहीं करने वाली थी बट इंस्टेंटली कॉल आ गया, मे बी वो रिकॉर्ड हुआ है, तो मैं डेफिनेटली छोटा सा क्लिप उसका डालूंगी। तो ये हमने लुक किया है, आप ऐसे ही जैसे यही शाइनर सा लगा के पीछे से थोड़ा सा कोई और कलर लगा के भी मेकअप कर सकते हैं। एंड अभी हम थोड़ा सा हेयर करने वाले हैं, हेयर में पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे एंड मैं आपके साथ फुल लुक शेयर करूंगी, तो प्लीज वेट फॉर द फुल लुक। इतनी देर थोड़ा नेक बेस वगैरह भी कराना है मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो, बाय। सो गाइस आप मेरी लुक देख ही सकते हैं, आई होप कि आपको मेरी ये लुक पसंद आई होगी। आई एम कैरिंग दिस ब्यूटीफुल सा हार्ट शेप क्लच जिसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, इवन कि नॉट इवन मनी के नंबर और हिमांशु है। तो कमेंट बिलो कि आपको मेरी ये लुक कैसी लगी। दिस ब्लैक आउटफिट इज फ्रॉम शैली अरोड़ा एंड वो इंस्टाग्राम पे पेज है उनका, तो आप वो जाके देख सकते हैं। एंड डू कमेंट कि आपको मेरी ये सिंपल सी लुक कैसी लगी। मैंने पूरी लुक के बाद कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ये 3 स्टड्स लगाए, दिस इज नॉर्मल बिंदीज जो मैं ब्राइडल पे लगाती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मेरी लुक कैसी लगी। बाय।